हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है और आज हम इस क्लास में आपको इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिछले करा रखे हैं एक्सरसाइज 1A, B, C एंड D के अभी तक, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर इजी तरीके से सारे सॉल्यूशंस को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ हम आपे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके क्लास में क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं इसे। ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इन एन ऑर्फनेज। रीमा जो है अपने बर्थडे पर ऑर्फनेज जाती है, अनाथालय आश्रम जाती है और वहां पर कुछ चॉकलेट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। The total number of chocolates distributed is given by, जो total number of chocolates हैं जो उसने बांटे हैं बच्चों को, वो है 5 + √11 and 5 - √11 और इसे हमें सॉल्व करना है। आई थिंक जो रीमा है वो पक्का मैथ्स की स्टूडेंट होगी, इसलिए उसने जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर नंबर्स में दिया है और वो भी रूट वगैरह लगा करके। चलिए देखते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। जितने चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो टोटल नंबर पता करना हमें। और सेकंड है, फाइंड द मॉरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा। और क्या मॉरल वैल्यूज रीमा देना चाहती है अपने बर्थडे के दिन ऑर्फनेज जाकर के, ये हमें बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ईजी है, अभी हम देखते हैं और पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट भी ईजी है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड का यूज करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5 + √11 एंड 5 - √11। पिछले क्लासेस में जैसे क्वेश्चन हमने किए थे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। आप पीछे अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर a + √11 और a - b के फॉर्म में दिया है और हमें पता है a + b और a - b क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है a² - b². अब जब हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें चाहिए किस फॉर्म में, इस फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू है √11 तो √11 का नेगेटिव में स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, रूट का ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा नेगेटिव में 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 1 जाएगा 4 एंड 2 से 1 जाएगा 1। तो हमारे जो 14 चॉकलेट्स हैं ये हमारा रीमा ने डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों को ऑर्फनेज में। कितने चॉकलेट्स, 14 चॉकलेट्स। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि मॉरल वैल्यूज क्या देना चाहती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आप या तो बुक वाला लिख लीजिए या जो मैं बता रही हूँ आपको आप वो लिख लीजिए। जो रीमा है वो देखने से तो, क्योंकि वो ऑर्फनेज गई है बर्थडे वाले दिन और वहां पर बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ज्यादातर आजकल के टाइम में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बलून्स लगाते हैं, पार्टी बॉम्ब लगाते हैं। इनफैक्ट जो लड़के होते हैं खासकर वो क्या करते हैं, बुलेट्स पर या गाड़ियों पर जितने नेम्स होते हैं उनके उतने लेटर्स के केक डेकोरेट करवाते हैं एंड देन उसको कट करते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है सारा, एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं तो फूड का भी वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो रीमा है ये सब ना करते हुए और फिर जा करके बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले जाती है। तो रीमा क्या हो गई, हेल्पफुल हो गई। यहाँ से हमें पता चलता है कि रीमा क्या है, हेल्पफुल है एंड केयरिंग भी है, बच्चों की केयर भी करती है। तो नेचर इसका बहुत अच्छा है, नेचर वाइज लड़की बहुत अच्छी है जो बर्थडे पर जाकर के ये सारी चीजें कर रही है। हमें भी फूड का वेस्टेज नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ से रीमा से हमें ये मॉरल वैल्यूज गेन करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 विच इज सिंप्लीफाई। हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 √45 - √125 + √200 - √50। तो हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। रूट 45 जो है अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 1 3, 3 5 15 एंड देन 3 5 15 होता है, 5 1 5। तो हम रूट 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। देन माइनस 125 का अगर हम करने जाएंगे तो ये हमें खुद भी पता है ये 5 का क्यूब होता है और यहाँ पर 200 का हम कर लेते हैं
तो 200 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1s are 00, 2 5s are 2, 2s are 2 5s are, एंड देन 5 5s are 5 1s are. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 जो है वो हमारा, सॉरी 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, एंड देन 5 जो है हमारा 2 टाइम्स यहाँ पर आया है. तो ये हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे -50, तो -50 का रूट लेना है. तो इसे हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पे 2 25s are, एंड देन 5 5s are 5 1s are. तो ये हमें क्लियर विजिबल है, 2 × 5 × 5. अब हमें पता है कि जो भी वैल्यू रूट में होती है उसका पेयर हम बाहर ले लेते हैं. तो 3 के साथ यहाँ रूट में देख सकते हैं 3 का पेयर है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट में बचेगा हमारा सिंगल 5. माइनस 5 यहाँ पर पेयर में दिख रहा है, और 1 5 अंदर रूट में रह जाएगा, प्लस 2, और यहाँ पे 5 का पेयर दिख रहा है, तो 2 × 5 बाहर आ जाएगा, और रूट में एक सिंगल हमारा 2 बच जाएगा. देन यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 का जो है वो पेयर है, तो यहाँ पे नेगेटिव में हम बाहर ले लेंगे 5 को, और रूट में 2 रख लेंगे. तो आगे सॉल्व करेंगे, 3 3 are 9, √5 माइनस 5 √5, प्लस 2 5 are 10, √2 माइनस 5 √2. अब जब हम इसे आगे देखेंगे तो √5 √5 यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 से 5 जाएगा, हो जाएगा हमारा 4 √5, एंड देन यहाँ पर भी √2 √2 है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 से जब 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 5 √2, और यहाँ पर बड़े का साइन प्लस है तो प्लस में. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 √5 प्लस 5 √2. अब चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ पर देखते हैं 2√30/√6 माइनस 3√140/28 प्लस √55/√99. तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले हम 2 और √30 जो है, क्या हम इसे 5 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. देन हम इसे क्या करेंगे, माइनस 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 70 के टेबल में, और 70 जो है वो भी ब्रेक हो सकता है हमारा किस टेबल में, 2 × 35, और 35 किस में ब्रेक हो सकता है, 5 7 जा. तो इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए. 2 7 जा, देन 2 2 3 जा, 2 5 जा, देन 5 7 जा, एंड देन 7 1 जा. देखिए 2 2 जा, देन 5, एंड देन 7, यहाँ पे सेम दिख रहा है. इसके बाद यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे, ये तो बहुत ईजी है, 4 × 7, 4 7 जा 28. यहाँ पर हमें दिख रहा है 11 के 12 टेबल में 5 × 11/√9×11. अब यहाँ सॉरी यहाँ पे √6 होगा. अब √6 यहाँ दिख रहा है, तो √6 जो है, क्या हम इसे √2√5×√6 में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे √6 लिख दीजिए. देन हम क्या करना है, माइनस जो भी पेयर में दिख रहे हैं वो बाहर ले लीजिए, और बाहर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ पर हमारा √5, एंड देन हम √7 को बाहर ले लेते हैं. इसके बाद 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर पे अगर रूट लगा हो तो इसे बाहर सिंगल लिख देंगे 2, और बचेगा हमारा √7. इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ हम अलग अलग लिख लेंगे, 5 × √11/√9×√11. अब इसे हम क्या कर सकते हैं देखते हैं. सबसे पहले जो √6 और √6 दिख रहा है इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, देन √7 √7 √11 √11. तो ऊपर बचेगा हमारा सिर्फ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 √5, देन हमारा यहाँ बचेगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, मीन्स −3√5 −3√5, एंड देन यहाँ पर बचेगा हमारा 3 जो है वो 9 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसे बाहर ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस √5/3. अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि √5 √5 सेम है, तो 3 से 2 जाएगा, बचेगा सिर्फ √5, बड़े का साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव में √5, और यहाँ बच जाएगा √5/3. अब आगे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 1s are 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3√5 + √5. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 से जाएगा 1, तो हो जाएगा हमारा 2√5, और यहाँ ये नेगेटिव में है, डिवाइड बाई 3.
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 का, पार्ट 3। क्वेश्चन है हमारा √72 + √800 - √18। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जो वैल्यू रूट में दी है ये थोड़ी बड़ी नंबर है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे हम निकाल लेते हैं। 72 का 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 10, 3 1 1। क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो जो भी नंबर पेयर्स में होंगे, मीन्स दो दो होंगे, वो बाहर आ जाएंगे रूट के, और जो सिंगल बच जाएगा वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 2 × 3 बाहर आ जाएगा और रूट में हमारा सिर्फ 2 बचेगा। देन प्लस अगेन करेंगे 800 का। अब 800 का हम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 00, 2 2 ज़ा 00, 2 1 ज़ा 00, 2 5 ज़ा 10 0, 2 25 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मीन्स 5 2 2। तो यहाँ पर 5 और 2 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, जो क्योंकि ये पेयर्स में है, और रूट में चला जाएगा सिर्फ हमारा 2 जो यहाँ पे सिंगल बचा हुआ है। अब हमें देखना है 18। यहाँ से हम देख सकते हैं हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 18 को 2 टाइम्स किया देन 9, फिर 3 टाइम्स किया 3 और 3 टाइम्स किया 1, मीन्स यहाँ पर जो 3 है वो सिर्फ बाहर आ जाएगा और यहाँ सिंगल बचेगा रूट में 2। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें जो भी नंबर हमने लिखा है बाहर, अगर एक से ज़्यादा नंबर है मल्टीप्लाई में, उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6 √2, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 √2, माइनस 3 √2। अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ भी √2 है, और तीनों जो है आपस में प्लस माइनस में है, तो सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो 20 + 6 हो जाएगा 26 √2, माइनस 3 √2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 26 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 23 √2 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर था, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1D भी कंप्लीट होता है। आई होप कि सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और जितने भी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड हैं जो मैंने पिछले करा रखे हैं आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के सारे सॉल्यूशंस को इजी तरीके से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।